नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। ये नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की खबर मधेपुरा से। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत तमोट परसा गांव में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शिवलिंग की स्थापना की और उन्होंने इस मौके पर कहा कि मंदिर निर्माण हो जाने से गाँव में शांति का माहौल कायम होगा। सुबह शाम कीर्तन भजन के साथ साथ एक साथ सभी वर्ग के लोग बैठेंगे, इससे सामाजिक सौहार्द भी गांव में कायम रहेगा। जी हां, उन्होंने कहा कि समय से पहले आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है, इसलिए लोगों से मुस्कुराने की वजह बनना चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की चिंता शिव पर छोड़ दें। मेरे जिला के जिला अध्यक्ष मोहन मंडल जी और जिला पार्षद अध्यक्ष जी राम युवा साथी, आप लोग भी बैठ जाइए, कहीं कुर्सी में हो तो दिक्कत, गाड़ी में बैठ जाए। सभी युवा शक्ति के साथियों, छात्र अध्यक्ष जी, छात्र के सभी सम्मानित साथी, महासचिव जी, हम सभी गार्जियन, यहाँ हमारे क्रांतिकारी मनोज, ईश्वर की कल्पना मनुष्य कैसे कर, आवश्यकता के अनुसार भी लोगों ने ईश्वर को मान लिया है और जहाँ डर हुआ वहाँ भी लोगों ने ईश्वर को रखा। डर के भाव से भी हमने ईश्वर की कल्पना कर, मानवीय जीवन की अस्तित्व में जो बाधक थे तो पप्पू यादव टूटा था, जो विरोध पप्पू यादव था, हम मनुष्य को विचारने की तैयारी में लगे। इसलिए तो शक्ति तो किसी भगवान की पूजा तो सिर्फ लोग इसे भैरव बाबा के पास में दान करा के उससे कुछ नहीं मिला, सभी के हमने तो उससे कुछ नहीं मिला, उसी के अंदर उससे कुछ नहीं मिला। जब माँ तीनों बच्चों के साथ परिवर्तन नहीं कर सकती तो फिर भगवान कैसे, ये 90% इस दुनिया में इस बात जिसके पास एक दृष्टि जमीन नहीं है वो 40%, एक बीघा से नीचे जमीन वाला 90%, एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम मंथली है 4,000 महीना, अब 4,000 रुपये में इसकी जिंदगी क्या होगी कभी सोचिए। इसको मुस्कुराने का अवसर चाहिए सीखा होता है, जब तक वो कैसे जब तक उसके बंदे को मुस्कुराने का अवसर नहीं मिलेगा ना, तब तक सीख नहीं हो सकती। उसके बंदे के मुस्कुराए बगैर उसका स्वर, यही मैं कहना चाह रहा था कि यही सबसे बड़ी। Yeah.